तो गाइस आ चुका हूँ वर्क नए वीडियो के साथ। तो जैसे कि आपको पता होगा कि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो कि लिंक्डइन के ऊपर, तो उस वेबसाइट के अंदर पबजी वाले ने एक पोस्ट डाला था जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो उस वीडियो में गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि पबजी मोबाइल फिर से इंडिया के अंदर अनबैन हो जाएगा। तो वैसे मैं ही नहीं, हर एक बड़े छोटे यूट्यूबर, हर एक जैसे कि टेक्निकल गुरु जी, उन्होंने भी वीडियो बना के बताया था कि पबजी मोबाइल जो इंडिया के अंदर अनबैन हो जाएगा, इस आर्टिकल के ऊपर उन्होंने भी बताया। लेकिन यहाँ पर गाइस हर एक बड़े छोटे यूट्यूबर से गलती हो गई। तो यहाँ पर गलती क्या थी मैं आप लोग को बता दूँ। तो गाइस यहाँ पर इसके अंदर बताया कि पबजी मोबाइल जो इंडिया के अंदर कोई भी मैनेजर ढूंढ रहा है जो कि इंडिया के अंदर इसको हैंडल करे। लेकिन गाइस यहाँ पर पबजी मोबाइल के बारे में कुछ भी नहीं बताया, जो कि कुछ देर पहले जो कि न्यूज़ 18 की तरफ से एक आर्टिकल आया जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस आर्टिकल के अंदर गाइस बताया कि कल जो मैंने आप लोग को, जो भी लोगों ने इस आर्टिकल लिंक्डइन के ऊपर बताया कि पबजी मोबाइल जो इंडिया के अंदर अनबैन हो जाएगा, लेकिन गाइस उस आर्टिकल के अंदर पबजी मोबाइल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। उस आर्टिकल के अंदर बताया गया कि पबजी पीसी के बारे में, जो कि अभी भी पबजी पीसी इंडिया के अंदर अनबैन है। तो अगर आप इस न्यूज़ आर्टिकल जो कि न्यूज़ 18 की तरफ से जो आर्टिकल आया, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप लोग वीडियो की डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। यहाँ पर मैंने आप लोगों को शॉर्ट एंड सिंपल में बता दिया, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो, अगर आप पढ़ लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो भाई पूरा मजाक चल रहा है, यहाँ पर कभी निकल के आता है कि न्यूज़ कि पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर अनबैन हो जाएगा, कभी न्यूज़ निकल के आता है कि पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर परमानेंट बैन हो जाएगा, कभी न्यूज़ निकल के आता है कि जियो के साथ बातचीत कर रहा है, एयरटेल के साथ बातचीत कर रहा है, पेटीएम के साथ बातचीत कर रहा है। तो हर एक जो है कन्फ्यूज है इसके वजह से, यहाँ पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया उतना ज़्यादा, और हर एक एक्साइटमेंट में आके यहाँ पर वीडियो बना दिया कि भाई पबजी मोबाइल फिर से इंडिया के अंदर अनबैन हो जाएगा, इसी के वजह से लिंक्डइन पर यहाँ पर आर्टिकल दिया पबजी मोबाइल ने। तो गाइज अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन पबजी से रिलेटेड या फिर कुछ भी अनबैन से रिलेटेड कुछ भी निकल के आता है तो मैं आप लोग को अलग से वीडियो में बता दूंगा। अगर आप न्यूज़ 18 का जो आर्टिकल आया है अगर उसको पढ़ना चाहते हो तो आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप उसको पूरा पढ़ लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब बात आती है कि पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर अनबैन होगा या फिर नहीं। तो भाई मैं आप लोग को बता दूँ, पबजी मोबाइल पूरा कोशिश कर रहा है कि पबजी मोबाइल जो इंडिया के अंदर वापस से अनबैन हो जाए। तो अभी तक तो पबजी मोबाइल का सर्वर जो है वो अभी तक शट डाउन नहीं हुआ, तो अभी 1 मंथ के ऊपर भी हो चुका है। तो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस है कि पबजी मोबाइल फिर से इंडिया के अंदर अनबैन हो सकता है। तो गाइस हम और आप सिर्फ होप कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, देखते हैं कब तक पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर अनबैन हो जाता है। तो अगर पबजी से रिलेटेड, अनबैन से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ निकल के आता है तो मैं अलग से वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो यही था आज की वीडियो में, तो होप करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्क्वाड के साथ इस वीडियो को जरूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चलना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हो और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।